आप सभी लोग समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। वही समुद्र मंथन जो देवताओं और असुरों के बीच किया गया था, जिस मंथन से कई तरह के रत्न और विष निकले थे। उस विष को स्वयं महादेव ने ग्रहण किया था। जी हाँ, वही समुद्र मंथन। ऐसे तो बिहार में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, उसी में से एक यह बांका जिले के बौसी में स्थित मंदार हिल। भागलपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर बांका जिला के बौसी में स्थित मंदार, जिसे मंदराचल पर्वत भी कहते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ कि मंदराचल पहाड़ पर्वत को मंथन किया था, जिससे अमृत और विष निकला। अब ये हकीकत क्या है ये भी नहीं जानते हम। असली वही जानते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों का जब मंथन होता है, जो अच्छी बात निकलता वही अमृत है, जो बुरा बात निकलता वही विष है। और यही मंदराचल पहाड़ है जिससे कि मंथन के बाद जो ये पहाड़ का पालना करता है और इसको समझते हैं कि यही पहाड़ है जो समुद्र मंथन हुआ। यह पर्वत करीबन 700 फीट ऊंची है और इस पर्वत पे चढ़ने के लिए आप पैदल जा सकते हैं या फिर रोपवे का उपयोग कर सकते हैं। तो रोपवे जो है सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक खुलता है और फिर 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहता है, फिर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है। आप रोपवे से जाइए या फिर पैदल चले जाइए। हम तो कहेंगे कि पहले आप आए हैं यात्रा पे, अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो पहले पैदल जाइए, ऊपर से रोपवे से नीचे आ जाना अगर ज़्यादा थक जाइएगा तो। तो यहाँ से रोपवे का है, रोपवे का टिकट जो है 80 रुपया है। यहाँ से जाओगे और वहाँ से आओगे 80 रुपया लगेगा, नहीं तो अगर आप एक ही साइड से आते हो तो 40 रुपया लगेगा। डायरेक्ट आपको जैन मंदिर तक लेके जाएगा ये रोपवे। इस पर्वत के सबसे ऊपर में जैन मंदिर है, जिसे देखने के लिए जैन धर्म के जितने भी लोग हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पे हर वर्ष आते रहते हैं। ये जैन मंदिर इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि जैसे कि पीछे हमें लोग मिले थे वो बता रहे थे कि हम लोग अलग अलग जगह से आते हैं, पूरे मतलब कहो ना कि जैन धर्म के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आते ही आते हैं। अभी हम लोग सीताकुंड के पास आ चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि करीबन हमने अपना सफ़र आधा तो तय कर लिया है। सीताकुंड के पास में ये कुआं है और यह कुआं का पानी जो है प्योर है, प्योर शुद्ध है। प्योर शुद्ध इसलिए है क्योंकि इसको जो है साइंटिफिक रूप से प्रूफ किया गया है कि ये पूरा शुद्ध पानी है और हम इसका मजा ले रहे हैं। ये कुआं का पानी है और इतना जबरदस्त पानी है, मतलब लग रहा है कि भाई सो हम वो बिसलरी वाला पानी पी रहे हैं। मतलब प्योर प्योर प्योर, जिसको प्योर बोलते हैं वही प्योर पानी है। एक ज़रूरी चीज़ कि अगर आप पानी लेके अगर हिल पे नहीं जाते हो तो उससे नीचे उतर के आपको कुआं से फिर से पानी भर के ले जाना पड़ेगा। तो कभी भी ऊपर जाते हैं तो पानी लेके जाइए अगर पैदल जाते हैं तो, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते प्यास भी लगेगा और साथ ही में चढ़ने में तो भारी भी लग सकता है। बीच में जो सीताकुंड है वहाँ पर पानी आप कुआं से भर सकते हैं। ये है पापहरणी पोखर, और जिसके बारे में कहा जाता है कि आप इसके अंदर में नहाओगे तो आपके सारे पाप जो है वो हर लिए जाएंगे और साथ में जो भी कुछ आपके शरीर में कोई किसी प्रकार का अगर बीमारी उमारी है तो मतलब ठीक होने, मतलब लोगों के यहाँ का करने का दावा। दोस्तों, तो हम लोग इस पोखर के बीच में जो मंदिर है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जिसमें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी हैं, तो उसके पास में यहाँ पे खुल चुका है मंदिर, तो यहाँ पे आ गए और मंदिर के सामने फ्रंट से फ़ोटो खींच रहे हैं। और आपको बताए थे कि मंदार कहाँ पे है। जी हाँ, तो बिहार के एक बांका जिला के बौसी में ये मंदार हिल पड़ता है। आपको आना कैसे है, कहीं से भी अगर आते हैं तो भागलपुर, इसका जो है ना भागलपुर से अगर आप आते हो तो 50 किलोमीटर के दूर पे बांका जिला के ये बौसी में पड़ता है। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है बौसी है, यहाँ से आप लोग यहाँ के लिए आ सकते हो। बौसी से लगभग 2-3 किलोमीटर पे है, तो 10-15 रुपया लेंगे ऑटो वाले और यहाँ से आप यह हिल पे आ सकते हो डायरेक्ट।